दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस लेकर आई हूँ, एक ऐसा बिजनेस लेकर आई हूँ जिसे आप घर से भी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों आज बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो पेट बोतल ग्राइंडिंग मशीन है। इसका जो दोस्तों रॉ मटेरियल आता है वो आपको किसी भी लोकल मार्केट में या आपके आसपास या लोहे लकड़ वालों के पास इस प्रकार का आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि इस प्रकार की जो बोतलें आती है या जो प्लास्टिक की पॉलीथीन आती है वो आपने आपके आसपास क्षेत्र में आपने देखा होगा कि नालियों में इस प्रकार की बोतलें पड़ी रहती है, वो क्या करती है, नालियों को जाम करती है। तो दोस्तों वेस्ट से बेस्ट बनाने का तरीका है, वेस्ट से बेस्ट बनाने का मैं आपके लिए बिजनेस लेकर आई हूँ। आपको क्या करना होता है, इस प्रकार की जो बोतलें होती है उनका जो ढक्कन होता है उनको हटा देना होता है। ढक्कन हटाने के बाद आपको क्या करना होता है, ये जो मशीन है इसके अंदर आपको इस प्रकार का जो रॉ मटेरियल होता है वो आपको डालना होता है। दोस्तों मैं आपको मशीन का पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि मशीन किस तरीके से वर्क करती है, क्या इसका पूरा प्रोसेस है। इसका जो रॉ मटेरियल आता है वो आपको आसानी से किसी भी लोकल मार्केट में या आपको 5 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो तक कहीं पर भी आपको लोहे लकड़ वालों के पास मिल जाता है। दोस्तों मैं इस मशीन का पूरा वर्क बताऊंगी कि किस तरीके से मशीन वर्क करती है, क्या उसका पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके। आज मैं जिस मशीन की बात कर रही हूँ पेट बोतल मशीन है, इसका मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि मशीन किस तरीके से वर्क करती है, आइए इसका पूरा प्रोसेस जानते हैं। दोस्तों ये होपर होता है, आपका जो रॉ मटेरियल होता है, इस प्रकार का जो रॉ मटेरियल होता है वेस्टेज होता है वो आपको इसके अंदर डालना होता है होपर के अंदर। इसके अंदर जो आपका जो ये स्टार्ट का बटन दिया गया है आपको यहाँ से क्लिक करना होता है, ये स्टॉप का बटन दिया गया है आपको, जब आपका जो क्रश हो जाए तो आपको यहाँ से स्टॉप करना है, ये ऑन का बटन दिया गया है, यहाँ पर भी ये ऑन ऑफ का जो बटन है वो दिया गया है। आपका जो इस प्रकार से आपका जो रॉ मटेरियल है वो क्रश हो जाता है। इसमें आप कलरफुल को अलग कर सकते हैं और वाइट को अलग कर सकते हैं। इसके अंदर आप किसी भी तरह का प्लास्टिक आइटम जैसे प्लास्टिक की बोतल, दूध की थैली, प्लास्टिक की थैली, डब्बे, प्लास्टिक का कोई भी आइटम, छाछ की थैली, प्लास्टिक के मग, जार, पीवीसी पाइप, बच्चों के खिलौने जो टूट जाते हैं उसे अलग अलग कलर के हिसाब से बोतलों को क्रश कर सकते हैं। इसका मुनाफा भी अलग अलग कमा सकते हैं। आप इसमें 1 लीटर, 2 लीटर किसी भी प्रकार से साइज की लीटर होते हैं उसे आप क्रश कर सकते हैं। इसमें पोल्यूशन भी कम होता है, वातावरण को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। बारिश के दिनों में नालियों में प्लास्टिक की थैलियाँ, बोतलें पड़ी रहती है जिससे नालियाँ भी जाम हो जाती है। इस प्रकार से हम स्वच्छता का भी ध्यान रख सकते हैं। इस उद्योग को लगाकर कम कीमत में आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके रॉ मटेरियल की बात करें तो 1 kg रॉ मटेरियल आपको 5 से 10 रुपए में आप खरीदते हैं, तो मशीन से क्रश करने के बाद आप उसे मार्केट में 40 से 50 रुपए में 1 kg के हिसाब से सेल कर सकते हैं। दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर हम माल बना तो लें तो माल को सेल कहाँ करेंगे, बेचेंगे कहाँ? तो आप जो तैयार माल बनाएंगे उसे कौन कौन खरीदेगा? प्लास्टिक प्रोडक्ट रिसाइकलिंग वाले, प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाले, प्लास्टिक का दाना बनाने वाले, इसे आप सेल कर सकते हैं। मेटल क्रश हुआ है, आप इसको अलग अलग, मतलब जैसे आपको आप अलग अलग कलर में दिख रहे होंगे, इसकी पॉलिथीन अलग दिख रही होगी, हरा और लाल, तो आप इसको अलग अलग भी क्रश कर, इसके बोतल को अलग कटिंग कर सकते हैं और इसके ढक्कन को अलग कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों तो अगर आप व्हाइट दाना बेचते हैं तो व्हाइट दाने का अलग भाव होगा और ग्रीन दाना बेचेंगे या कलर वाला दाना बेचेंगे। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि मशीन किस तरीके से वर्क करती है, कैसे इसका जो
क्रश होकर के ये बनता है, किस तरीके से बनता है अभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया। तो दोस्तों हमारी जो कंपनी है भिलवाड़ा राजस्थान के अंदर है, आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर जो उद्योग है, जो बिजनेस है, यहाँ पर देखिए 100 से 150 प्रकार की मशीनें मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो दोस्तों डिस्प्ले और डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप यहाँ पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी अगली आने वाली वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। धन्यवाद।